देश आज अपने लोकप्रिय नेता और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जयंती के मौके पर याद कर रहा है। देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उनकी जयंती जो कि सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है, स्मृति स्थल की तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में, मेरे जीवन, मेरी सोच, मेरे आदर्शों, मूल्यों पर जो छाप उन्होंने छोड़ी है, जो विश्वास उन्होंने मुझ पर किया है, उसने मुझे गढ़ा है, हर स्थिति में अटल रहना सिखाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अटल जी एक आदर्श गुरु, एक रोल मॉडल हैं, जिन्होंने मुझे गहरे प्रेरित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं उनके बारे में कि वे मां भारती के सच्चे वैश्विक नायक थे। दुनिया भर में भारत की कीर्ति और करुणा का संदेश स्थापित करने वाले आधुनिक बुद्ध थे अटल जी। स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की रक्षा और 21वीं सदी के सशक्त सुरक्षित भारत के लिए अटल जी ने जो कुछ भी किया वो अभूतपूर्व है। श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे कि विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। हमने एक रूपता की नहीं अपितु एकता की कामना की है। हमारा लक्ष्य आकाश की अनंत ऊंचाई हो, पैर धरातल पर हो, दृढ़ विश्वास मन में हो, हाथ से हाथ मिले हो, एकजुट होकर चलने का संकल्प हो। यदि हम ऐसा करें तो निश्चित ही विजय हमारी ही होगी और इस संकल्प को जय हिंद की जय घोषणा से हम बुलंद करें। बाधाएं आती हैं तो आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उपराष्ट्रपति माननीय श्री वेंकैया नायडू जी का आगमन हो चुका है। श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, भारत सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, कोई भी बाधा क्षितिज पर फैले प्रकाश को रोक नहीं सकती। इस भविष्य में गरीबी एवं अल्प विकास का नामो निशान नहीं होगा। वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश का प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक नागरिक भारत की समृद्धि एवं प्रगति रूपी फल का रसास्वादन करेगा। हम एकजुट होकर कार्य करें तो ये स्फूर्तिदायक उद्देश्य एक पीढ़ी के भीतर ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर अटल जी कहते हैं, क्या यह एक स्वप्न है? जी हाँ। क्या यह एक असंभव स्वप्न है? जी नहीं। और इसी आदर्श को न्यू इंडिया आत्मसात किए भारतवासियों कर्तव्य पथ पर बढ़ा चला जा रहा है। यही तो सच्ची स्मरणांजलि है श्रद्धेय अटल जी को, यही सच्ची कार्यांजलि है श्रद्धेय अटल जी को। उन्हीं की प्रयाण गीत को सरमाथे पर सजाए, अब हम यही कहते हैं, किंतु अपने ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किंतु अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं हैं। श्रद्धेय अटल जी ने ही तो कहा था कि मेरी कविता पराजय की प्रस्तावना नहीं, वह जूझते योद्धा का जय संकल्प है, वह निराशा का स्वप्न नहीं, आत्मविश्वास का जय घोष है। उनकी याद जब जब स्मृतियों में घुलती है देशवासियों, तो अटल विश्वास, अटल संकल्प, अटल सत्य, अटल ध्रुव जैसे शब्दों की सार्थकता समझ में आने लगती है। वे हमारी स्मृतियों, आदर्शों में सदैव अटल रहेंगे।
लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा, कदम बढ़ रहा कभी ना रुकेगा, ना सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने उन्हें आधुनिक अजात शत्रु कहा। अटल जी की कविताओं ने वो स्वप्न पिरोए हुए हैं जिनको साकार करने के लिए उन्होंने कई वर्षों पहले कहा था कि आर्य श्रेष्ठ चाणक्य की संकल्प शक्ति लेकर, सम्राट चंद्रगुप्त की पराक्रमी वृत्ति अपनाकर, महात्मा बुद्ध की करुणा, तीर्थंकर महावीर का तप तथा गुरु गोविंद सिंह का तेज हृदय में धारण कर हम संकटों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और भारत को शक्तिशाली तथा समृद्ध बनाकर विश्व में सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। माननीय राष्ट्रपति जी पधार चुके हैं। अंधियारों में तूफानों की गति लेकर चलने और सृजन तथा प्रलय से एक साथ खेलने वाले राष्ट्रभक्ति के अद्वितीय आदर्श श्रद्धेय अटल जी को कोटि कोटि प्रणाम। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, काल के कपाल पर एक अटल हस्ताक्षर। श्रद्धेय अटल जी, एक ताकत थी उनके भीतर जो हमेशा काम करती थी देशवासियों, देश प्रथम की जिद, यही अटल मंत्र न्यू इंडिया हृदय में संजोए विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। सबका साथ सबका विकास, नेशन फर्स्ट, ये मूल मंत्र न्यू इंडिया के अटल संकल्प बन गए हैं। ऐसा लगता है मानो राजनीति के क्षितिज पर सूरज के समान दैदीप्यमान श्रद्धेय अटल जी की प्रेरणा आशीर्वाद से न्यू इंडिया चमक रहा है। माननीय राष्ट्रपति जी पधार चुके हैं। और श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी आगे बढ़ते हुए, आज देशवासी उस महान विभूति को शत शत प्रणाम करते हैं। माननीय उपराष्ट्रपति जी अब श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।
माननीय प्रधानमंत्री जी, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय श्री अमित शाह जी, न्यास के अध्यक्ष माननीय श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, डिप्टी स्पीकर लोकसभा माननीय हरिवंश नारायण सिंह, परिवार के सदस्यगण भी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। माननीय श्री राम बहादुर राय न्यास के सेक्रेटरी और श्री रामलाल जी, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय श्री रामदास अठावले जी, माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, माननीय श्री जेपी नड्डा जी, माननीय श्री मनोज तिवारी जी, माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्रद्धेय अटल जी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की संकल्प शक्ति, भगवान कृष्ण की राजनीतिक कुशलता और आचार्य चाणक्य की दृढ़ता थी, निश्चय था। वे अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण राष्ट्र सेवा के यज्ञ में अर्पित करते रहे। उनका तो उद्घोष ही था कि हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। वे कहते थे, भारत के लिए मैं हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करने में गौरव और गर्व का अनुभव करूंगा। न दैत्यम न पलायनम, ये कविता उनके जीवन का आदर्श थी। इंसानियत की पराकाष्ठा, जन जन से प्रेम करने वाले जननायक। उन्होंने लिखा, कर्तव्य के पुनीत रथ को हमने स्वेद से सींचा है, कभी कभी अपने अश्रु और प्राणों का अर्ध भी दिया है, किंतु अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं हैं। हमें ध्येय के लिए जीने, जूझने और आवश्यकता पड़ने पर मरने के संकल्प को दोहराना है। आग्नेय परीक्षा की इस घड़ी में आइए अर्जुन की तरह उद्घोष करें, न दैत्यम न पलायनम। आप सभी से निवेदन है कि कृपया भक्ति संगीत, भक्तिमय श्रद्धांजलि के बाद आप सभी श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करें। ये हम सभी जानते हैं कि श्रद्धेय अटल जी स्वयं एक अद्वितीय कवि थे, संगीत में उनकी रुचि थी। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में पंकज उदास ने संसद में अपना परफॉर्मेंस दिया था और उस वक्त पंकज जी द्वारा गाई गई चार पीढ़ियों पर एक नज्म श्रद्धेय अटल जी को बेहद पसंद आई थी। पंकज जी ने भक्ति संगीत में जो काम किए हैं वो काफ़ी सराहे गए हैं। 2006 में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
तो श्रद्धेय अटल जी को एक भक्तिमय संगीतमय श्रद्धांजलि दे रहे हैं पंकज दास जी। आदरणीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी और हमारे प्रधानमंत्री जी, एक भजन मेरे बचपन से मैं सुनते आया और जैसे मन में वो भजन बैठ गया। इस भजन को विद्वान और महान शास्त्रीय संगीत के गायक पंडित पलुस्कर जी ने गाया और पलुस्कर जी ने इस भजन को गा के अमर कर दिया। मीराबाई का भजन है, आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु
मेरे सतगुरु कृपा करी अपना यो पायो जी मैंने कृपा करी अपना यो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जग में सभी खोवायो पायो जी मैंने जग में सभी खोवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो सतकीना
सत्र की ना सत की नाव खिवटिया सतगुरु सत की नाव खिवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो पायो जी मैंने भव सागर तर पायो पायो जी मैंने राम रतन हमारे चहेते प्रधानमंत्री अटल जी, हम सब देख ही रहे हैं कि एक अद्भुत व्यक्तित्व था उनका। मुझे कई बार उनसे मिलने का अवसर मिला। उनके अंदर एक और प्रतिभा बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर प्रतिभा उनकी थी, वो थी उनकी कविताएं। आज के इस अवसर पर मैंने अटल जी की लिखी हुई एक कविता जो है उसको कंपोज किया है, और मेरी ओर से उस महान भारत के सुपुत्र को मैं
ये उनकी लिखी हुई कविता अर्पण करना चाहूंगा। Thank you.
प्यारे में अंधकार में उजियारे में अंधकार में कल कहार में बीच धार में उजियारे में अंधकार में कल कहार में बीच धार में घोर धुना में पुत प्यार में क्षणिक जीत में दीर्घ हार में जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों में ढलना होगा अरमानों में ढलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा चलना होगा चलना काटों से सज्जित जीवन प्रखर प्यार से वंचित यौवन कुछ काटों से सज्जित जीवन प्रखर प्यार से वंचित यौवन नीरवता से मुखरित मधुबन परिहत अर्पित अपना तन मन जीवन शत जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा गलना होगा जलना होगा गलना कदम मिलाकर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा चलना होगा चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा
अंत में बहुत बड़े संत कवि नरसिंह मेहता का एक भजन मैं श्रद्धांजलि के स्वरूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा। बहुत ही सुंदर भजन और हमारी संस्कृति का एक हिस्सा नरसिंह मेहता का ये बहुत ही सुंदर भजन, ये मेरी अंतिम प्रस्तुति है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे भीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे भीड़ पराई जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाने रे, दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। सकल लोक मा
सहुने वंदे निंदा न करे सकल लोक मां सहुने वंदे नींदा न करे के नीरे वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी वैराग्य जेना मन मारे
सकल तीरथ तेनातन मारे वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे वैष्णव जन तो कपट रहित छे काम क्रोध निवार्या रे बड़ लोभी ने कपट रहित छे काम क्रोध निवार्या रे बड़ लोभी ने कपट रहित छे काम क्रोध निवार्या रे बड़े नरसैयो तेनु दर्शन बड़े नरसैयो तेनु दर्शन करता कुल एको तेरताया रे वैष्णव जन तो लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी देश सम्मान के लिए हिमालय की तरह अटल वज्र से भी कठोर अडिग संकल्प संपन्न राजनेता काल के कपाल पर मनचाही इबारत लिखने और मिटाने का संकल्प लेकर चलने वाले अटल जी को हम सब की तरफ से कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। उनकी आवाज़ मानो गूंज रही हो। भारत हिमालय इसका मस्तक है, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। वो निश्चल स्निग्ध स्मित मुस्कान खो गई है, पंच तत्व में विलीन हो गई है, पर विजय और विकास का उद्घोष आज भी हमारे भारत में गुंजायमान है। भारतवासियों उनके बनाए रास्तों सिद्धांतों के प्रकाश स्तंभ की रोशनी न्यू इंडिया के वर्तमान और भविष्य को उदीयमान गतिमान बना रही है। विश्व के आकाश पर इंडिया हैज अराइव्ड कि ये भारत लिख चुका है। भारत शत शत प्रणाम,
कोटि कोटि वंदन श्रद्धेय अटल जी को। अब माननीय राष्ट्रपति जी प्रस्थान कर रहे हैं, माननीय उपराष्ट्रपति जी प्रस्थान कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी प्रस्थान कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कृपया थोड़ी देर अपने ही स्थान पर रहें। अटल जी ने हमें प्रेरणा दी है, आज भी हमारे हृदय में गुंजायमान है कि प्रलय घनों का वक्ष चीर कर अंधकार को चूर चूर कर ज्वलित चुनौती सा चमका है प्राची के पट पर शुभ दिन कर। आंधी लघु लघु दीप बुझाती पर धधकाती है दावानल कोटि कोटि हृदयों की ज्वाला कौन बुझाएगा किसमें बल। जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया कल को बिना झुके न रहेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया कल को बिना झुके न रहेगी। आज हम याद कर रहे हैं अपने लाडले चहेते श्रद्धेय अटल जी को। श्रद्धेय अटल जी ने कभी भी आदर्शों से समझौता नहीं किया, सिद्धांतों पर सदैव अटल रहे, नीति संगत राजनीति के अटल सूत्रधार रहे अटल जी। वे सशक्त भारत पर अटूट विश्वास रखते थे। आज उन्हीं की प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहा है न्यू इंडिया, संकल्प से सिद्धि तक। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में पूरे देश में मनाई जा रही है। सीधी तस्वीरें आप स्मृति स्थल से देख रहे थे, वहां पर एक अटल जी के ऊपर स्मारक का भी किया गया है लोकार्पण। और आपको बता दें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वहां पर पहुंचे हुए थे, सुंदर गजलों के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी गई। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। माँ